सीपीसीटी का एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं वो अपने आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को लिंक जरूर कराएं ताकि उनको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सूचना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ये पूरी सूचना पढ़ने के बाद ही आप अपना सीपीसीटी का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जाएं। और जिन बच्चों ने अपना एग्जाम 27-28 अक्टूबर को दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक यदि किसी कारण से वो अपने रिजल्ट को नहीं देख पाए हैं तो वो अपने रिजल्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दी है जिस पर आप क्लिक करने के बाद अपना रिजल्ट देख पाएंगे। अपना रिजल्ट देखने की जो प्रोसेस है वो हमने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाई थी, आप उस वीडियो को देख लें जिससे आपको रिजल्ट को देखना आ जाए और आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं।